अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी पूरी। ये बहुत मुलायम और सॉफ्ट पूरी बनेगी और खाने में भी बहुत मज़े की होगी। पूरी बनाने के लिए मैंने 5 कप मैदे का आटा लिया है और उसे अच्छी तरह छान लिया है। छानने के बाद मैं अभी आटे में जगह बनाऊंगी और इसमें 1/2 टीस्पून नमक शामिल करूंगी और 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दूंगी। ये रिफाइंड ऑयल है, आप इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं, पर ऑयल मिलाने से पूरी बहुत अच्छी मुलायम और सॉफ्ट बनेगी। अब मैं ऑयल को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लूँगी। पहले देखिए, ऑयल अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो गया है। अब मैं गर्म पानी से पूरी का आटा गूँगी। आप पूरी बनाओ या पराठा बनाओ, उसका आटा हमेशा आप नीम गर्म पानी से ही गूंदना करें तो आटा भी बहुत अच्छा गूंद जाता है। ये हल्का गर्म पानी है, अब मैं गर्म पानी से आटा गूंद लूँगी। और हमें आटा गूंदने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती अगर हम नीम गर्म पानी से आटा गूंदते हैं तो। अब मैं इसी तरह पूरा आटा गूंद लूँगी। देखिए आटा कितना जल्दी से घुन गया है। अब मैं इसको इसी तरह 5 मिनट मालिश करूँगी आटे की। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी और इसे अच्छी तरह चिकना करके रख दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए। देखिए आटा गूंद गया है और कितना सॉफ्ट गूंदा है मैंने आटा। अब मैं इसे 20 से 25 मिनट के लिए रख दूंगी, फिर इसकी पूरियां बनाऊंगी। ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं हाथ पे ऑयल लगाकर फिर पूरी बनाऊंगी। मैं सूखा आटा नहीं लगाऊंगी, ऑयल लगा कर ही मुझे पूरी बनाना है, क्योंकि ऑयल लगा कर बेलने से पूरी बहुत सॉफ्ट बनती है खाने में और हमारा ऑयल भी ख़राब नहीं होता। जिसमें हम पूरी तलेंगे हम उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ऑयल लगा कर ही बेलें। आप सोच रहे होगे कि अरे इतना ऑयल, ये हम पूरी भी ऑयल में ही बेलेंगे, पर बहुत कम ऑयल लगेगा। आप बेलेंगे तो जब आपको पता चलेगा ऑयल लगा के, पर हमारी पूरी बड़ी सॉफ्ट होगी खाने में। एक तो आटा लगाने से पूरियाँ थोड़ी कड़क हो जाती है और हमारा ऑयल भी ख़राब हो जाता है, फिर हमें उसे दूसरी बार इस्तेमाल करने में थोड़ा अजीब लगता है उस ऑयल को। इसीलिए आप ऑयल लगा कर बेलिए और बहुत जल्दी से बेल भी जाएगी। फिर हम इसे एकदम गरम तेल में फ्राई करेंगे। पूरी तलने के लिए हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गरम करना होता है। जितने गरम तेल में आप पूरी को फ्राई करेंगे उतनी पूरी आपकी सॉफ्ट होगी। और पूरी को हमेशा हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं तलना होता, बस हमें 1 मिनट में पूरी को तल लेना होता है। देखिए इसी तरह मैं 3 से 4 पूरी बेल लूँगी और फिर इसे फ्राई करूँगी। मुझे बनानी तो बहुत है पूरी है, पर मैं आपको 2 से 3 पूरी फ्राई करके बताऊँगी। देखिए मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल बहुत अच्छी तरह गर्म हो गया है। देखिए जैसे मैंने पूरी को ऑयल में डाला, बस ये फूलने लगी। आप इस पर हल्का सी चम्मच लगाइए पूरी पर तो ये अच्छे से फूल जाएगी। देखिए
हमारी पूरी कितनी अच्छी तरह फूल गई है। अब मैं साइड चेंज कर दूंगी पूरी की और इसे निकाल लूँगी। हमें इसे ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस लाइट गोल्डन करना है। ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो पूरी थोड़ी हार्ड हो जाएगी, फिर खाने में सॉफ्ट नहीं रहेगी। अब मैं इसी तरह दूसरी पूरी भी फ्राई कर लूँगी। आप इस पूरी को ज़रूर ट्राई कीजिए गर्मा गर्म हलवे के साथ या खीर के साथ। इससे पहले मैंने आपको खीर की भी रेसिपी दी है अपने चैनल पे। आप खीर पूरी बनाइए या हलवा पूरी बनाइए या छोले के साथ खाइए या भाजी, आलू की सब्ज़ी, पूरी भाजी। देखिए हमारी गर्मा गर्म फूली हुई और सॉफ्ट पूरी तैयार है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।